बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूं जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट एक छोटी सी न्यूज थी, मैंने बोला आप भाइयों के साथ शेयर करता चलूं। काफी अच्छी न्यूज आ रही है जी। आप भाइयों को पता है, खासकर जो हम खारजी भाई यहां पर आमल हजरात काम करते हैं, कुछ तो आजाद मेरे भाई काम करते हैं, वो तो भाई सुबह 7 बजे का अगर किसी काम पर जाते हैं तो शाम को 5 बजे आते हैं, तो 5 बजे या 6 बजे फिर किसी नई ड्यूटी पर चले जाते हैं। वो तो भाई दिहाड़ी लगाते हैं अपनी जहां से उनको लग जाए, उनको तो टाइम की परवाह ही नहीं है। यानी कि 7 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं या सुबह के 3 बज रहे हैं, उनको तो भाई ये है कि हमारी दिहाड़ी कहीं ना कहीं से सीधी हो रही है बस। तो बात करूंगा इसी के मुतल्लक। सऊदी अरब में निजाम अमल अल सऊदी की तरफ ये ऐलान कर दिया गया है। यहां पर उनकी ट्वीट आपको मैं बड़ी करके दिखा भी रहा हूं, जिस पर साफ जाहर भाई आप पढ़ भी सकते हैं कि अभी यौमिया यानी कि एक दिन बाद मजदूर से सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे काम लिया जाएगा। रमजान को छोड़कर, रमजान से ये 5 घंटे या 6 घंटे के राउंड में होता है, वो तो तमाम कंपनी 6 घंटे के राउंड में ही काम लेती है, लेकिन उसके अलावा जो 11 माह बाकी होंगे इनमें भी भाई 8 माह सिर्फ मजदूर से काम लिया जाएगा। एक दिन के अंदर और एक हफ्ते के दौरान 40 घंटे काम लिया जाएगा एक बंदे से। इससे ज्यादा कोई भी कंपनी किसी भी अपने आमल हजरात से काम लेती है। तो अगर वो भाई निजाम अमल के हत्थे चढ़ गया तो फिर ये इदारा बहुत सख्त है। मैंने खुद से देखी हुई है इनकी कार्रवाई यहां सऊदी अरेबिया में। फिर वो उस बंदे को ये छोड़ते भी नहीं है, अच्छा खासा फाइन उसे ठोकते हैं। तो भाई अगर ये नहीं चढ़ते हैं तो फिर भी आमल हजरात भाई इनको कहें हम भाई 8 घंटे ही ड्यूटी करेंगे, जो कि निजाम अमल अल सऊदी की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है। ये एक लेटेस्ट अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। किसी और न्यूज के मतलब जानना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।